एक औरत जिसके गर्भ से एक बेटे ने जन्म लिया, उसके बेटे की उम्र 2 वर्ष की हुई, भगवान के ऐसे करने में उसका घरवाला गुजर गया। नुकाकर लोगों बनी बनी की दुनिया साथी बिगड़ी में कोई किसी का नहीं है, जो उसके भाई थे वे भी दोहरा दरगे, देवर जेठ वो भी न्यारे पाट के नुगर था विधवा लोग आई शक्के मिनके में मांगेगी पीसा दे ली उल्टा दिन नशा क्यों कर्जा चढ़वा, कोई किसी का नहीं है। आखिरी मैंने उसको चलना की दूसरा ब्याह कर ले, फिर मन में बात आई है कदे को दारू खोरा फेट जा, तेरी भी जिंदगी खराब, तेरे बच्चे का भविष्य खराब हो जाएगा, शादी नहीं करूंगी। अपने बेटे पर ध्यान धर लिया, मरदा की ढाल मंडासा मार लिया, और सजनों लोग खेत्या में दिहाड़ी मजदूरी लागी करण, और अपने बालक न पालन लागी। 2 साल का था, 3 का हो गया, 4 का हो गया, स्कूल में नाम लिखा दिया, बढ़िया विद्यालय में बच्चे को पढ़ावे, मुंह मत बालक दो जो बात का डुआ है पूरी करा, अब भूखे रहो मगर बच्चे को कभी भूखा नहीं रहने दिया। दिन रात एक कर दी, अपने बच्चे को पर इतना ध्यान टेक लिया, जनो तो भविष्य में भगवान बस है, बस माँ तो ऊपर कोई नहीं, हर लोगो देखियो माँ की महिमा के वो है। एक मर्द की लुगाई गुजर जाओ, बहुत कम मर्द इसे पाऊंगे जो अपने बालक न पाल लेंगे, और एक लुगाई का घरड़ा बेशक मर जाओ, इतिहास भरा पड़ा है। ऐसी ऐसी माताएं इतिहास में भरी पड़ी हैं, अपने बच्चे न पाल के दिखा दें, चाहे देश लंगार फिरता हो सब न पालगी, माँ की तो ममता ही अपार है। जिसकी तम पूजा कर रहे हो, इतना बड़ा मंदिर बना रहे, यो भी किसी माँ ने जमया है, कोई तो इसकी भी माँ होगी, ये अलग बात है कि आप उन्हें जानते नहीं, मगर माँ तो सब एक ही है। आओ गौर करके सुनना माँ की ममता। छोरा धीरे धीरे जवान होने लग्या, बड़ा होने लग गया। इधर वो जो औरत थी खान पीने के में थानी, दिहाड़ी मजदूर करार दी, गात का पिंजर बंद गया, सूख कजमा कांटे कैसी होगी, खान पीने की में नहीं दिहाड़ी मजदूरी करे। छोरा जवान हो गया, 10वीं 12वीं पास कर ली, ये उसकी मानो कहना की बेटा तने 10वीं पास तक कर ली, 12वीं तो पास कर ली बेटा, इसके मैं काम धंधा पकड़ बेटे नुगे काम चालन बोले मम्मी देख सरकारी नौकरी तो मैं लाग नहीं सकता, क्यों? क्योंकि ये उस टाइम की बात है जब रिश्वत चालिया करती, जब बिना खर्ची बिना पर्ची वाला होता नहीं था, पर्ची भी चालिया दी खर्ची भी चालिया दी, उस टाइम का किस्सा है। बोलिया मां पीछे दिन ना अपना सह नहीं, और नौकरी मिलेगी नहीं, और प्राइवेट करेंगे तो थोड़े रुपया में गुजारा होगा नहीं, मैं बड़ा आदमी बनना चाहूं हूँ बेटा, के चाहो है माँ जी तो ईसा कर जनू, मेरे सारे यार दोस्त सारे ना विदेश में जाओ है, कोई अमरीका जा है, कोई किते जा, नरे डॉलरा में खेल है। हाँ बेटा फिर तू भी बिक जा रे, ये मानू कुकर बिक जा के बाद एक गठड़ी रुपया की चाहिए, खाना दाने भी कौन अपने, हाँ बेटा कितने रुपये चाहिए? नोलिया बोली माँ कम तक कम मरे तो मरे, मर तो मरे 50-60 लाख का जुगाड़ दो रहो, जब जाके बात होने। बोली बेटा जे इतने रुपया में बात बनती है इतने तो मैं लिया दूंगी। छोरा एकदम लगाने बोलिया माँ के कह, बोलिया मैं लिया दूंगी, कितने लियागी? नोली बेटा तेरा बाप मरिया, 1 किला जमीन का छोड़ का मरिया था, रोड का सहारा लाग है, आज के दिन 1 करोड़ रुपए कीमत पाओगी कम से कम। नोलिया माँ तेरा दिमाग में खराबी के बाद जमीन बेचा करें। नोली बेटा जे तेरा भविष्य बनता हो तो जमीन तो फिर भी खरीद लेगा। कहने का मतलब यू है जिद्दोजहद करके उस बूढ़ी माँ ने वो जमीन का किला बेच दिया, पैसे भर के अपने बेटे को अमेरिका में शिफ्ट कर दिया, और देखो परमात्मा की माया उड़ा, उसका काम धंधा ईसा सुतरा जम गया, कारोबार गाड़ लिया बढ़िया, 10-12 साल उड़े रहते न हो गए, उड़े ब्याह कर लिया, कोठी बना ली, एक छोरा भी हो गया। माँ गे बात कर फोन बगा में, एक दिन फोन आया माँ दो नोलिया री माँ नोलिया नोलिया ए माँ मैं कुछ कहना चाहूं। नोली बोल बेटा। नोलिया माँ देखी तू बूढ़ी होगी ना, तने आख्या तो दिखता और ना गोडे तो चल जाता, माँ मैं न्यू चाहूं तेरा बुढ़ापा खराब ना हो। हाँ बेटा फिर के करूं माँ, तू अमरीका आ जा मेरे दोर, दो रोटी खाए जाइए, अपने पोते ने खिलाए जाइए, राम के नाम लिए तने के पड़ी। नोली बेटा बात तेरी जमा सही पर आ रे, अरे मन के बेरा रे अमरीका कड़े है, तू मन लेना आ जा भाई। नोलिया बेर माँ टेम लगते जरूर आऊंगा। वो के कह रहा हूँ पी आर पी रो बन जागरा गण दिन जो साउड रहने लाग जा, वो बन रही थी उसकी, वो आ गया अपनी मान लेन बिना 15 दिन 10 दिन जैसा भी रहा, जान का टेम आया। नोलिया मारी नोली, हाँ बेटा देखे एक बात और आओ मन में कह दूं, नोली मेरे लाडले मेरे बच्चे मन में ना रख है, सारी कह दे जो भी तरह भीतर में सारी पूरी करूंगी। नोलिया माँ ए माँ देखे अपना कितना बड़ा घर है यो, और देखे मेरा बाप भी मर गया, अरे याद कड़वी सच्चाई है, फिर माँ तू भी मरेगी बुढ़ी हो रही है, देख मैं भी अमरीका रहूं हूँ, ये घर न लोग ना बरतेंगे, ले ना बेच दिया। बुढ़ी माँ यहाँ से नोले रहे बोले बेटे कल भी तेरा है धाज भी तेरा है, मन के छाती धर के ले जाना था, बेच दे मौका है ना देखा था। गाम में एक अमीर आदमी किसी पार्टी का सामाजिक कार्यकर्ता, उसके गेल बतला दिया, नगद रुपया में सौदा पार दिया, रात ने मकान बेच दिया, अगले रोज मकान के रुपये लेके अपनी बुढ़ी माँ ने लेके कहाँ पहुंच गया, एयरपोर्ट दिल्ली।
कई अनपट माता बैठी है, समझा दू माड़ा है, एयरपोर्ट है दादी ताई चाचियो, अंग्रेजी का शब्द हिंदी में बोलन है हवाई अड्डा, और देशी में समझा दू जरा जहाज आ करू क्या उसने कहा जहाजा का अड्डा, अंग्रेजी में एयरपोर्ट बोल रहा है। उड़े ले गया बोला फिर मैं काम कर तू ताड़ बार बैठ जा शीशिया दबार, और मैं शीशिया भीतर जाकर दो टिकट ले आऊ अमरीका की ताजी ताजी। इबूडी माई ने के बेरा अनपढ़ थी बेचारी ने ज्ञान नहीं उसने, उन्हें सोचा बस की तरिया रेल की तरिया टिकट मिलती होगी नू के बेरा वे पहले वीजा लग है टिकट बुक होने ज्ञानी नहीं बोली ठीक समाड़े बैठू बेटा तू जा छोरा भीतर टिकट का बहाना चलिया गया। एक घंटा बीता, दो घंटे, तीन घंटे, चार घंटे, सारा ये दिन लग गया, उल्टा ये ना आया। और बूढ़ी माई ने टेंशन हो रही सारा दिन, जब गया तमोड़ सिक्योरिटी गार्ड जो पुलिस वाले थे उनकी ड्यूटी लाग रही थी, वो आपस में बतला एक आधा गामा का भी भर्ती हो रहा था, बोलिया देखिए रहे बोले हाँ के बोलिया बूढ़ी सवेरे 8 बजे आड़ा आके बैठी थी, सारी दुनिया जाली आड़े बैठी है, अरे अब बोली भी कौन लग दी शैनी लुगाई दिख, अरे अब मड़ी शीशा मजाका आड़े बैठक के रोला पूछ क्या। एक मेरा वर्गा गया बोलिया ताई राम राम, नोली बेटा राम राम। आ ताई सवेरे 8 बजे आई थी, सांझ के 7 बज के रोला है, नोली बेटा रोला के मेरा बेटा अमरीका रे आगरा मन लेन आया था, और मेरा बेटा भीतर बढ़िया था टिकट लेने उल्टा नहीं आया, और मन तो टेंशन हो रही बिराने कित गया मेरा बेटा, बोला भीतर के लेने का था ताई, बोला बेटा अमरीका की दो टिकट लेने का ए? टिकट उसका मन में बात आई हाँ गड़बड़ है, पर्ची काट ली पैन काट लिया, बोला ताई के नाम, यो नाम था भाई ताऊ का, यो नाम है आ ताई कुण है गाम की यू गाम यो जिला सबके में नोट करके बोला ताई 5 मिनट बैठ ई बताऊं तेरा छोरा कड़ा है। भीतर गया उनके पास सारा ब्यौरा होता है किस विमान में कितने यात्री गए हैं, आईडी वगैरह 70 डाल गई चेकिंग हो, कोई ना चढ़ देता जहाज में, मैं भी नुए सोचा करता पहले जब तक ना बैठा था जो कर बस में भाज कर चढ़ा था मैं भी चढ़ूंगा, पर उड़ा जब गया जब बेरा ला गया 70 डाल गई चेकिंग कर बटन बिना दें दे, और विदेश का तो बहुत खतरनाक काम है। जाके सारा का सारा ब्यौरा मिलाया, आईडी वगैरह चेक करी, बार आगे बोलिया ताई नुबली हाँ बेटा, अरे बेरा पटिया मेरे छोरे का, बोले हाँ ताई, अरे कड़ है, बोलिया ताई चौड़ा फाट गया के बात, ए ताई जी छोरे की तू बाट देखे है उसकी फ्लाइट उसकी जहाज तो ताई दिन में 11 बजे की थी, तो 11 बजे अमरीका जा लिया। इतनी बात बूढ़ी माई ने सुनो घसी आगे उड़े फटकी, सिक्योरिटी गार्ड धोले हो गए भाई इसका क्यों, एक जना भाजा गया पानी की बोतल लिया पानी के छपके मारे मुंह पर, दो घुट पानी मुंह में गेड़े, जैसे बूढ़ी माई ने होश आया हुक मार कर लागी ने बोली मेरे बच्चे ऐ मेरे लाल ऐ मेरे लाडले, अरे तने जाना था बेशक चला जाता रे, अरे बेटा मने इस बात का दुख नहीं तू चला गया, पर मने इस बात का दुख आवे है तने मेरी गिल धोखा मेरी गिल दगा क्या करे, तू अपनी बढ़िया जिंदगी अमरीका में जी रहा था, और मैं अपने बांगे बोले दिन काट रही थी कच्ची पक्की रोटी खाकर अपना दिना ना धक्के दे रही थी, अरे तने मेरी गिल या के करी बूढ़ी माई रोवे। सिक्योरिटी गार्ड ने बोले ताई मत रो, ने बोली भाई रोन दो भीतर में दर्द है परे ना हो जाओ, दुआ थोड़ा बाज है और कोई धीर बंदानी, यानी किस तरह से जननी माँ का दर्द सुनना लोगो, ताड़ी नहीं बजानी हाथ नहीं ठाणा और नाचना कूदना नहीं है, गौर करके सुनियो रूंग रूंग खड़ा हो जाएगा पत्थर दिल करके गाने की मैं पूरी कोशिश में हूँ, माहौल बिगाड़ना नहीं चाहता मैं क्योंकि बिगड़ जाता कई बार, क्यों कोई हो जाता ऐसी बात याद आ जाती है, लेकिन कोशिश करूंगा मैं, ध्यान तो सुनियो भाई सारा सत्संग सारा कीर्तन एक ओढ़ना है, हरियो भजन एक ओढ़ना है, एंडी बढ़िया खानदानी घर का बंदा बैठा होगा रूंग रूंग ना खड़े हो जाए तो देख लियो गारंटी इस बात की, क्या लिखा लिखने वाले ने कलम तोड़ कर दी कैसे, नू बोली रे मन छो देखे रे मन छो लाडले मेरी गल्या धोखा कर गया लाडले मन छोड़ के डिगर गया लाडले मेरी गल्या धोखा कर गया लाडले ओ मेरी गल्या धोखा कर गया लाडले मन छोड़ काटी कर गया लाडले मेरी गल्या धोखा कर गया लाडले ओ
चादर मेरी रे करी रे तने इतनी बुरी करी रे मुंबड़ी चलिया आखिर मासू तेरी तेरे के मन में आई क्यों बन क्या अन्यायी तेरे के मन आई क्यों बढ़ गया अन्यायी तेरा क्यों पर बेटा भर गया लाडले मेरी गला तो का कर गया लाडले ओ मेरी गला तो का कर गया लाडले माहे मंदिर माहे से बढ़ के कोई न दूजा माही मंदिर माही पूजा मां से बढ़ के कोई न दूजा माही मंदिर। सजनों बूढ़ी माइनू के लगी बेटा इस बात का लेश मात्र भी दुख नहीं कि तू चला गया तने तो जाना है था तू तो थोड़े दिन खतर आया था अरे मन तो दुख इस बात पाव है अरे मेरे प्यार में मेरे दुलार में तने कड़क मिला गिरे बेटा मैं खुद भूखी रहा करती मैंने कभी तेरे को भूखा नहीं रहने दिया अरे बेटा मैं पट्टे कपड़ा मांडी टूटे लीतरा मांडी मगर तेरी हरेक च्वाइस हरेक ख्वाहिश मैंने पूरी करी आ बेटा अरे मेरे लाडले एक घर था एक छत थी सर छुपाने के लिए अरे तना तो घर भी नहीं सुहाया रे वो नबी बेच खा गया मकड़ा जा रे अरे मेरे आंखें के आंसुओं ने साफ करने वाला धरती पर कोई भी ना है नुका के बूढ़ी माई फिर फूट कर उपड़ी नंबर दो पे क्या लिखा तेरा खून सा खोट करा रे बचाऊ बता करे नाते नीर पड़े इब जाऊ बता करे मेरा सारा एक खेल बिखर गया लाडले मेरी गला तो खा कर गया लाडले ओ मेरी गला तो खा कर गया लाडले कितनी अच्छी है ओ, कितनी भोली है ओ, प्यारी प्यारी है हो फुलवारी है ओ माँ ओ माँ ओ माँ ओ माँ। ध्यान दियो भाई हमारा मेन मकसद गाना बजाना करना नहीं है हमारा मेन मकसद इन रचनाओं का हवाला दे करके समाज में जागृति फैलाना है भाई। तीन घंटे तो मन्ना हो गए भाई कंदर माँ बाप की सेवा करियो माँ बाप की सेवा करियो माँ बाप की सेवा करियो ईबीबी किसी का पल्ला नहीं पड़ी ना फिर नू सोच लियो मनस बीज नहीं है वो धरती पर खाम खा का बोझ है
इतनी पवित्र धरा पे बैठकर भी अगर आपको इन बोलों का असर नहीं हो रहा है तो आप इंसान हो ही नहीं सकते। ये मेरे खुद के विचार हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती। गौर करना भाई, माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती और इसकी बद्दुआ कभी टाली नहीं जाती। बर्तन मांझ कर भी तीन चार बेटों को पाल लेती है एक माँ, मगर अफसोस तीन चार बेटों से एक माँ पाली नहीं जाती। छोटे छोटे बालक होंगे, आपस में लड़ेंगे, मम्मी मेरी है ना, मेरी है ना, मेरी, मेरे दो बेटे हैं जी, सारे दिन यह लड़ाई रहे उनकी, पापा मेरा है ना, मम्मी मेरी है। और जब मेरी घराली लाडा मनु कह दे भाई तू तला बात गणी ग्रह, मैं नहीं बनती तेरी मम्मी, मैं तो बड्डा की बनूंगी, आंगन में लोट जाएगा नुका गलत बूंडे करूंगा और भीतर को नहीं बढ़ू, मेरी मम्मी मनीष की क्या तमन्ना। देख कितना प्यार कर रहे हैं बालक आपस में, बचपन में तो लड़ लड़ नूम रहे हैं, मम्मी मेरी है, मम्मी मेरी है, और जब वह मम्मी हो जाए बुढ़ी और फिर वह बालक का ही मम्मी आ जाए, यानी कि उसका आ जाए बहू, फिर वो मम्मी मत तो उन बांस आने लग जाए, बड़का ही मम्मी मत खुशबू आने लग जाए फिर उन, और फिर तेन कहेंगे माँ मुड़ी पुरे न बैठते रहो मत बांस आओ, और फिर वह छोरे जिसने मम्मी घर दे आज उन्होंने कहे बुढ़ी जा छोटे मरे ले, ओ न्यू कह जा बिचले मरे ले, बिचला नु कह जा बड्डे मरे ले, फिर उसका नु धक्के मारे फलाने या बुढ़ी तेरी है, फिर तो मम्मी भी कौन कहे ना, माँ कहे या बुढ़ी तेरी है तो ही ले जा, फिर न्यू धक्के मारे हूं गए। अरे माँ तो वह होगी, बदली तो नहीं है, के बाद से बुढ़ी खा लोगी, माँ तो वह है जिसके पेट से हमने जन्म लिया है। बलाओ सरकार का जिसने 3,000 रुपए बुढ़ापा पेंशन मासिक रूप में बांध रखी है, मैं धन्यवाद करता हूँ सरकार का, ले मैं गारंटी दी हूँ धर्म की जगह खड़ा हूँ भाई, आज या बुढ़ापा पेंशन बंद कर दो गणे नहीं तो 100% में तो 80% बुढ़ा बुढ़ी रोड पा जाएंगे, ठिकाना नहीं है। हकीकत है या कोई कोई भले बढ़िया बहु बेटे हैं जो माँ बाप की निस्वार्थ भाव से सेवा करें, ना तो सेवा या पेंशन करवा रही है, या बंद कर दो सब क्यों बार आ जाएगा। नो गए हैं भलिया दुर्गा माता की जय, अम्बे माता की जय, जगदम्बे माता की जय, भगवती माता की जय, शेरवाली माता की जय, इस माता की जय, उस माता की जय, किसी माता की जय नहीं है, सब पाखंडी है, सब जोंगी है। अगर सच में किसी माँ की जय होती, अगर सच में किसी माँ की जय होती, मैं सवाल करना चाहता हूँ, किसी माई के लाल में दम हो तो मुझे जवाब चाहिए। अगर सच में किसी माँ की जय होती, क्या इस हिंदुस्तान में एक भी वृद्धाश्रम होता, बताओ बताओ, इस देश में एक भी वृद्धाश्रम होता क्या? नहीं होता। ये वृद्धाश्रम क्यों बने? क्योंकि हम पाखंडी है, पत्थर में शेरा वाली दिखती है, लेकिन जिसने गर्भ से जन्म दिया उसमें माँ कौन दिखती है? मैं पत्थर क्यों कह रहा हूं? मैं खुद शेरा वाली के जागरण करता हूं, मैं पत्थर ही ले कह रहा हूं, जिसके मन का भाव मर गया उसके लिए पत्थर ही है वो, जिसने अपनी माँ में माँ दिखे उसने पत्थर में भी माए दिखेगी। भावना में भाव ना हो सारी भावना बेकार है, भावना में जरा सा भाव हो भाव से बेड़ा पार है। जिसके भीतर में भावना को ना मंदिर के चाहे साक्षात भगवान भी शमी आ जाए जब भी कोने पिछाड़ा हो दो। सजनों रे, ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं, इस जहां में जिसका अंत नहीं उसे माँ कहते हैं। माँ तो बड्डा कोई भी ना है दुनिया नु का बोला राम जी सब तो बड्डा, मगर मैं कहता हूँ राम से बड़ी राम की माँ जिसने राम को जन्म दिया है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, बूढ़ी माई रो रही है, आंखों में बड़े बड़े आंसू न बोली रे बेटा कत्ते भी नहीं सोची धीरे मेरी गल, तू इतनी बूंदी करेगा, मने तो लोग आए दाड़ी कर कर तू पालिया पोसा पढ़ाया कामयाब करा, और आज तक मेरी गल इसी करती रे, मैं कदे बोलूंगी नहीं, फूट के रो पड़ी क्या कहती नंबर। जिस माँ ने जन्म दिया रे, जिस माँ ने जन्म दिया रे, तन जिसका दूध पिया रे, तन जिसका दूध पिया रे, बदला कौन सा लिया, ममता की छाकर के मने पाया चाकर के, ममता की छाकर के मन पाया चाकर के, तू सब कुछ भूल बिसर गया लाडल, मेरी गल्ला धोखा कर गया लाडली,
जननी माँ रूप हरी रे जिन माँ की तहत करी रे जननी माँ रूप हरी रे जिन माँ की तहत करी रे गुरु ओम कहे उनकी जीत हो खरी रे गुरु ओम कहे उनकी जीत हो खरी रे सरिया जिन माते दगा करा कहरम धन कग सरिया जिन माते दगा करा वो सहम नरक में गिर गया लाडले मर गया धोखा कर गया लाडले ओ मेरी गल्ला धोखा कर गया लाडले मन छोड़ मेरी गल्ला धोखा कर गया लाडले ओ मेरी गल्ला धोखा कर गया लाडले ये बात पूरी नहीं हुई है दो दो तीन सेकंड की रहेगी सुनो आगे क्यों हुआ न्यू कह है बूढ़ी माई ओड़े बैठ गई नोली तू सिक्योरिटी गार्ड नोले ताई तेरा छोरा दजा लिया तू कड़ जागी नोली भाई मन न जाना कड़ जानना कड़ ठिकाना था घर था वो भी बिक गया फिर कीते त जागी ताई नोली भाई देखे मन तो बुढ़ापा काटना था भाई एक काम कर लियो के नोली भाई जी सब सर ने मारा घर खरीदया था ना बहुत दयालु लड़का है बड़े सत्संग भंडारे करवाता है बड़े मंदिर बनवाओ है गरीबा की छोरी के ब्याह कर है अरे फलाना फलाना नाम से कोई किसी पार्टी का सामाजिक कार्य करता था उसका नाम लिया नु बोले ताई उसका तो बड़ा नाम नु बोली भाई मारे गांव का सुनो बुला लियो के करेगी ताई बोलिया भाई उसका गा जोड़ूंगी उनके घर नौकरी बन कर लूंगी भाई दो रोटी दे देगा और की है उसके पास फोन किया गया नु बोले भाई साहब तो मीटिंग में हूँ घंटे दो घंटे में आ जाऊंगा बूढ़ी नाड़ा बैठा लो घंटे दो घंटे बाद आया आंधे बोला ताई राम राम हाथ जोड़ के खड़ी होगी न बोली बेटा मेरी गल धोखा हो गया मेरा बेटा मनाड़ छोड़ गया अर्धे घर भी तन्ना खरीद लिया भाई रे मन तनखा नहीं चाहिए दो रोटी सवेर ने दो शाम ने दे दिया करिए तेरे बालकन खिला दिया करूंगी टूटा फट फटिया मड़ी दूर कसन बुहारी तेरा बनागा तो कर दिया रूंगी भाई मन अपना घर रख ले नौकरी बना गए इतनी बात कही थी हाथ जोड़ कर खड़ा हो गया नु बोला के कह तू नौकरी बोलिया हाँ आख्या में पानी आ गया नु बोलिया पांचों अंगली एक सार नहीं है तेरे गर्भ से इतनी गंदी संतान पैदा होगी जरूरी नहीं है सारी दुनिया की माई है बेटे चम्मच है के बात बेटा चार अंगल का था मेरी माँ मन छोड़ के मर गई थी माँ का प्यार तो देखा है ना माँ के वो है छह महीना पहले मेरी घरवाली की भी माँ गुजर गई वह भी रोए जा है माँ के बिना देखे नौकर चाकर तो मारा घने अंड है रुपया का घाटा नहीं नुका अगर सियाने आदमी ने बोला टोटा क्या का माड़ा ने बोला मनसा का माड़ा भाई ने बोला मारा तो टोटा था मनसा का अर सुने हे माता जी तू मेरे घर नौकरणी बन के नहीं हमने तो माँ की जरूर संबंध भी मेरे गाली धर्म की माँ बनकर मेरी घर चाल है बूढ़ी माई के गल लाग कर लग गया बूढ़ी के भी आंखा में पानी एक बार उस अफसर भाई के लिए जोरदार ताड़ी बजा दे पूरा समाज मिलके जिसने दूसरे की माँ को अपनी माँ बनाया तो लोग अपना लिए गए ठोकर मार दे अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो फिर जोरदार ताड़ी बोल बाबा बालकनाथ की ये सत्य घटना है अपने हरियाणा की इसे से बेटे भी हैं जो ठोकर मारे हैं माँ कर इसे से भी हैं जो अपना हुए हैं एक छोटा सा आखिरी भजन बाबा।